मिली जब खुद विवेक तन्खा ने एक ट्वीट करके साफ तौर पर कहा कि नशा बांगरे का जो मामला फंसा हुआ था वो अब क्लियर हो चुका है और अब उन्हें अपने आगे के सफर के बारे में सोचना चाहिए। तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस शायद कुछ हेर फेर इस सीट पर एक बार फिर से कर सकती है। चलिए, तो वहीं भोपाल से खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस अपनी 5 सीटों पर प्रत्याशी बदल सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर है जिसमें सुमावली सुजालपुर में प्रत्याशी बदले जाने की चर्चा है। तो वहीं जावरा और शिवपुरी में भी उम्मीदवार बदलने की खबर सामने आ रही है। इधर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हो चुका है, तो इसके बाद अब आंवला सीट पर भी चर्चा शुरू हो गई है। बड़े नेताओं के बीच कल देर रात चर्चा हुई, स्थानीय नेताओं से बड़े नेताओं की मुलाकात हुई और अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही टिकट बदलने पर कांग्रेस फैसला ले सकती है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं, सुमावली सुजालपुर जावरा शिवपुरी। और अगर बात की जाए जो अभी आंवला सीट, हालांकि जिस पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब निशा बांगरे, चूंकि अब उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया गया है, तो अब आंवला से कांग्रेस उन्हें भी अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो चर्चा भी देख लीजिए, सुमावली से मानवेंद्र शिकरवार, अजब सिंह कुशवाहा दो नाम चल रहे हैं, सुजालपुर से बंटी बना को वहां से उतारने की तैयारी की जा रही है। तो सुमावली से मानवेंद्र शिकरवार, अजब सिंह कुशवाहा का ये नाम सामने आ रहा है। तो इन नामों को लेकर चर्चा चल रही है, माना जा रहा है कि जो फेरबदल किया जा सकता है वो इन नामों को लेकर किया जा सकता है।